हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लाउज बैक नेक डिज़ाइन। बहुत ही सिंपली और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होने वाला है ये ब्लाउज़ का बैक नेक डिज़ाइन, और आपको ज़रूर पसंद आएगा फ्रेंड्स ये डिज़ाइन। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा, और साथ ही में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाया करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैक नेक की डिज़ाइन। ये वो फैब्रिक है जिस पे हमें डिज़ाइनिंग करनी है। मैंने कट कर लिया है, नेक मैंने कट नहीं किया है आपको दिखाने के लिए। सबसे पहले नेक में कट करूँगी। नेक हमें रखना है 9 इंचेस, और ऊपर में थोड़ी स्टिचिंग के लिए छोड़ करके यहाँ से 9 इंचेस मेज़र कर लेंगे ये। और नेक का शेप यहाँ तक 6.5 इंचेस तक स्ट्रेट रहेगा। देन यहाँ से हम इसे 9 इंचेस वाले पार्ट तक मिला देंगे इस तरह से। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, 7.5 तक भी स्ट्रेट करके ऐसे मिलाएंगे तो भी बहुत ब्यूटीफुल सा लुक आएगा। आपको जहाँ से ये कॉर्नर लेना हो वहाँ से आप ले सकते हैं, और फिर इसे कट कर लेंगे। और साथ ही में हमें नेक के डिज़ाइनिंग के लिए ज़रूरत पड़ेगी। इसमें आप देख सकते हैं ये फैब्रिक पे पिंक, डार्क पिंक फ्लावर्स और ग्रीन लीव्स बनी हुई हैं, तो इसलिए मैं डार्क पिंक और ग्रीन फैब्रिक का यूज़ करने वाली हूँ। साथ ही में मैं इस तरह की लेस का यूज़ करूँगी। ये देखिए इस तरह से ये लेस है, इसका यूज़ करूँगी। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। पहले हम नेक कट कर लेंगे। ये पहले मैं लाइनिंग वाले पार्ट को कट कर रही हूँ। इसी फैब्रिक को मैं मेन फैब्रिक पे रख कर मेन फैब्रिक पे नेक कट कर लूँगी। ये देखिए ये मेन फैब्रिक है, इसको अच्छे से सीधा करके इसे भी मैं कट कर लूँगी। ये मैंने दोनों फैब्रिक कट कर लिए हैं। अब सबसे पहले मैं नीचे से दोनों को जॉइंट कर लूँगी, लाइनिंग वाले फैब्रिक को और मेन फैब्रिक को। जैसा कि मैं हमेशा आपको हर वीडियोस में ऐसा बताती हूँ, अस्तर वाले जो भी ब्लाउजेस होते हैं उनमें सबसे पहले नीचे से जॉइंट करके उन्हें फिनिशिंग दे लेनी चाहिए। यहाँ से मैं इक्वली ऐसे पूरा नीचे में कमर की साइड में स्टिच कर लेंगे। ये स्टिच कर लिया मैंने। अब यहाँ से इसे इस तरह से खोल लेंगे, और स्टिचिंग वाले फैब्रिक को लाइनिंग वाले फैब्रिक की साइड में करते हुए एक स्टिचिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने नीचे से स्टिच कर लिया और सीधा कर लिया। अब मैं बताती हूँ इसमें डिज़ाइनिंग क्या करनी है। ये पिंक फैब्रिक है, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से मुझे, मैं आपको चौक से बताती हूँ, ये यहाँ से एक स्ट्रिप आएगी पूरी ऐसी स्ट्रेट, तो ये कुछ ऐसे जाएगी। तो ये पिंक फैब्रिक से यहाँ डिज़ाइनिंग करेंगे, देन यहाँ से यहाँ तक ही करेंगे, ये यहाँ तक की। देन इसके बगल में हम ग्रीन फैब्रिक लगाएंगे, इसमें भी सेम ऐसा आएगा। देन अगेन पिंक फैब्रिक ऐड करेंगे, देन अगेन ग्रीन पिंक, ग्रीन पिंक ग्रीन की एक स्ट्रिप तैयार करेंगे। और साथ ही में दोनों के जॉइंट वाले पार्ट पर मैं ये लेस अप्लाई करूँगी ऐसे। तो ये पूरा इस तरह से स्ट्रिप जॉइंट करके मैं आपको शो करती हूँ। ये देखिए मैंने ये फैब्रिक जॉइंट कर लिया है, और जहाँ मुझे लगाना है उस शेप में मैंने कट भी कर लिया है। यहाँ से ये लगेगा, और पूरा कॉर्नर तक मैंने लिया है। जो अंदर मार्जिन होती है, मार्जिन में भी ये आप भी कभी स्टिच करें कोई सी ऐसी डिज़ाइनिंग तो उसको अंदर मार्जिन तक बनाएं, ताकि अगर कभी कस्टमर इन फ्यूचर यहाँ से लूजिंग करता है तो डिज़ाइनिंग भी उसके साथ खुले, और बहुत ब्लाउज़ का बैक लुक कभी भी ख़राब ना हो।
और यहाँ पर ये देखिए आर्म होल के अकॉर्डिंगली मैंने इसे यहाँ से भी कट कर लिया है, साइड से भी कट कर लिया है। ये जो साइड में थोड़ा सा कॉर्नर है, जब हम इसे अच्छे से ऐसे स्ट्रेच करके लगाएंगे तो ये इसे कवर अप हो जाएगा। अब सबसे पहले मैं यहाँ से एक सिंपल स्टिचिंग करते हुए इस पूरे को इसमें जॉइंट कर दूंगी। इस तरह से देखें चारों तरफ से मैं इसे बहुत ही अच्छे से स्ट्रेट करते हुए जॉइंट कर दूंगी। ये देखिए स्ट्रेच करने के बाद, पूरी स्टिच करने के बाद यहाँ से ये देखिए ये कवर हो गया और ये ग्रीन फैब्रिक इतना एक्स्ट्रा भी आया, तो इसे मैं यहाँ से कट कर दूंगी। इसे अब इस पर हमें लेस अटैच करनी है, तो ये वाली लेस जो मैंने आपको शो की थी, ये वाली लेस, सबसे पहले हर इस जॉइंट पर हम इस लेस को ऐसे अटैच कर देंगे। यहाँ पर एक सिंगल स्टिचिंग लेकर के अटैच करेंगे, आप दोनों साइड भी स्टिचिंग ले सकते हैं, मैं यहाँ सिंगल स्टिचिंग से लेस को इस तरह से अटैच कर लूँगी। ये देखिए मैंने ये बनाकर पैटर्न रेडी कर लिया है। अब यहाँ से एक स्ट्रिप लेंगे, ये मैं पिंक कलर की ही स्ट्रिप लूँगी। यहाँ पे पहले इतने दूर में इस स्ट्रिप को ऐसे रख के स्टिच करेंगे और देन इसको इस तरह से पलट देंगे, तो यहाँ पर ये इस तरह से फिनिशिंग आ जाएगी। और इसी स्ट्रिप को यहाँ तक ऐसे कंटिन्यू कर लेंगे दूसरे आर्म होल की साइड में यहाँ तक। तो ये इतना करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने देखिए पट्टी स्टिच कर ली है। अब यहाँ पर ये लेस अटैच कर दूंगी। ये लेस देखिए यहाँ इस साइड भी, मैंने यहाँ नेक के साइड में लेस नहीं ली है, तो यहाँ पर भी यहाँ तक लेस स्टिच करने के बाद इतने दूर लेस नहीं लगाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक लेस लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर पाइपिंग आएगी, नेक की पूरी पाइपिंग एक साथ लगेगी। तो इस साइड लेस लगाने के बाद दूसरे साइड भी मैं यहाँ पर लेस अटैच कर दूँगी, तो ये दोनों साइड में मैं लेस अटैच करके शो करती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने ये डिज़ाइन बनाकर कंप्लीट कर ली है। ये थी हमारी बैक नेक की डिज़ाइनिंग। अभी गले में यहाँ पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग हम लगाएंगे रेड कलर की, क्योंकि यहाँ देखिए स्लीव पर इसके जो बॉर्डर है वो रेड कलर का बॉर्डर ऑलरेडी साड़ी में दिया हुआ है, इसलिए रेड कलर की पाइपिंग हम पूरे नेक में लगाएंगे। तो ये पूरा ब्लाउज रेडी करके मैं आपको शो करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स ब्लाउज मेरा बनकर रेडी हो गया है। ये फ्रंट से है और ये रहा बैक का लुक। कितना ब्यूटीफुल सा लुक आया है। रेड पाइपिंग, रेड स्लीव में जो बॉर्डर लगे हैं उनके साथ मैच हो रही है और बहुत ही अच्छे से पाइपिंग भी सेट हो गई है और डिज़ाइन भी बनकर कंप्लीट हो गया है। तो मेरे ये ब्लाउज़ बैक नेक की डिज़ाइनिंग वीडियो आपको कैसे लगी फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट डिज़ाइनर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।